स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मैं सत्यदेव त्रिपाठी एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1। तो बिना समय गंवाए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और इस लेसन से रिलेटिव जो सूत्र था उसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए, जो मेरा टॉपिक है, पहला नंबर दिया, जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए, सपोज के लिए पहला नंबर जो है, ये मान लीजिए ये एक रेखा खंड है, ठीक है ना। इसको आप मान लीजिए ए, समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ये हो गया बी। ए का जो निर्देशांक है ये -1.7 है और जो बी का निर्देशांक है ये 4, -3 है। अब क्या है कि इसको एक बिंदु है, ठीक है ना, एक बिंदु है जो इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 5 बिंदु हम लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 लाइन हो गया, ठीक है ना, मतलब ये समान दूरी पर होंगे। तो अब देखो क्या है कि ये जो 2:3, तो जो पहला पार्ट है उसके तरफ 2 है, 2 भाग है, और इसके बाद वाले के तरफ कितना है, 3 भाग है। तो 1, 2, 3, 1, 2, तो ये हो गया 2:3। ये जो आपका पॉइंट है ये P है, इसी का निर्देशांक हमें निकालना है। X की जगह पर क्या होगा, Y की जगह पर क्या होगा, बात समझ में आ गई। ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ठीक है ना। तो ये जो 2 है ये आपका M1 का मान है और ये जो 3 है ये आपका M2 का मान है, ठीक है ना। और ये जो -1 है ये X1 का मान है और ये 7 जो है ये आपका Y1 का मान है और ये जो 4 है ये X2 का मान है और ये जो -3 है ये Y2 का मान है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सूत्र होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, यदि कोई रेखा खंड है और उसको कोई बिंदु M1:M2 में अंतर विभाजित करे, मतलब अंदर से 2 भागों में बांट दे, ठीक है ना। तो जैसे ये मान लीजिए पॉइंट P है, इस रेखा खंड AB के लंबाई को 2:3 में बांट रहा है, अंतर बांट रहा है, क्योंकि ये पॉइंट P अंदर है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, X, Y बराबर होता है M1 X2 M2 X1 M1 Y2 M2 Y1 M1 M2, ठीक है ना। ये है आपका सूत्र, अंतर विभाजित करेगा तब इस X और ये Y का मान बराबर। तो अब यहां से हमने मान को पहले से डिसाइड कर दिया है, तो M1 की जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, गुणे X2, तो X2 की जगह पे आप देख सकते हैं 4 हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए, M2, तो M2 का 3, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 3 हो गया, गुणे X1, तो X1 की जगह पर हो जाएगा -1, ठीक है ना, अपान M1 + M2, तो M1 का वैल्यू 2 है और M2 का वैल्यू 3 है, कामा M1, तो M1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, इंटू Y2, तो Y2 का वैल्यू -3 है, तो -3 हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिए, M2 का वैल्यू 3 है, इंटू Y1, तो Y1 का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 हो गया, अपॉन M1 + M2, तो हो गया 2 + 3, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये आपको मिल गया, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो गया, कामा प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो गया, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे 21 हो जाएगा, और 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 8 से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5/5 हो गया, कामा 21 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 6, 21, तो आपका 15 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये
या यक्स कामा वाई बराबर, ये जो मान निकल रहा है ये मान यक्स और वाई का है, यानी इस पॉइंट का है, ठीक है ना। यक्स कामा वाई, पांच को पांच में भाग देंगे एक आएगा, पांच का भाग पंद्रह में देंगे तीन आएगा, तो हो गया एक कामा तीन। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये एक कामा तीन होगा, जो ए बी को दो रेशियो तीन में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपको समझने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितने सिंपल से आपकी समझ में आ जा रहा है, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं, कह रहा है जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, बिंदुओं चार कामा माइनस एक और माइनस दो कामा माइनस तीन को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो चलिए पहले हम रेखाखंड बना लेते हैं। ये मान लीजिए रेखाखंड ए, ये रेखाखंड ए बी हो गया, ठीक है ना। ए का निर्देशांक दिया है चार कामा माइनस वन और बी का दिया है माइनस दो कामा माइनस तीन। जोड़ने वाले रेखाखंड को दो पॉइंट ऐसे हैं जो इसे तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। कितने भागों में, यहां देखिए दिया है समद्विभाजित, ठीक है ना। तो समद्विभाजित का मतलब सम मीन्स बराबर और त्रि मीन्स तीन, यानी कहने का मतलब है कि दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखो ये ए बी को तीन भागों में बांट रहा है, तीन बराबर भागों में, एक भाग ये हो गया एक भाग ये एक भाग ये, तो एक दो तीन भाग हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमें करना क्या है ये देखिए, तो इसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि समत्विभाजित करते हैं तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी हमें पॉइंट पी का निर्देशांक भी निकालना है, क्यू का निर्देशांक भी निकालना है, बात समझ में आ गई। तो पहले हम एपी को लेते हैं, एपी रेशियो एपी, यानी यहां से एपी रेशियो, फिर पी से बी को लेते हैं, एपी रेशियो पी बी बराबर क्या हो जाएगा। तो ए से पी में क्या है, सिर्फ एक भाग है, तो ये हो गया एक रेशियो। पी बी में कितने भाग हैं, एक भाग कितना हो गया, दो भाग, तो एक रेशियो दो हो गया, यानी एपी को हम यम वन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यम वन बराबर एक हो जाएगा, और पी बी को हम इसको यम वन माने, इसको हम यम टू मान लें, तो यम वन बराबर एक हो गया और यम टू बराबर क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया यक्स वन का मान, ये हो गया वाई वन का मान, ये हो गया यक्स टू का मान, ये हो गया वाई टू का मान, ठीक है ना। अभी हम पहले पी का निकालेंगे फिर क्यू का निकालेंगे, तो यहां देखिए इसलिए पी का निर्देशांक, ठीक है ना, यक्स कामा वाई बराबर। अब देखो ये जो पॉइंट पी है इस एबी को अंतर विभाजित कर रही है, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, यम वन यक्स टू धन यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, ठीक है, कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू, ठीक है, अंतर विभाजन का सूत्र लगा दिए। अब ये बराबर हो गया, अब आप देख सकते हैं यम वन का मान कितना हो गया, एक गुणे यक्स टू, तो यक्स टू का मान माइनस दो, फिर प्लस यम टू, तो यम टू का वैल्यू आपका दो हो गया, इंटू यक्स वन, तो यक्स वन का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं आपका चार हो गया, अपान यम वन प्लस यम टू, तो यम वन का वन यम टू का टू, कामा यम वन, तो यम वन का वैल्यू वन हो गया, इंटू वाई टू, तो y2 का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस थ्री है, प्लस m2, तो m2 का वैल्यू आपका टू हो गया, इंटू y1, तो y1 का वैल्यू हो गया माइनस वन, अपान m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू आप देख सकते हैं वन है, तो वन हो गया, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए m2, m2 का वैल्यू टू हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको बड़े ही प्यार से बड़े ही आसानी से हम देखते हैं, अब दो का गुणा एक में होगा तो माइनस दो हो जाएगा, फिर हो गया प्लस, दो का गुणा चार में करेंगे तो आठ हो जाएगा, दो को एक में जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, कामा प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, तीन को तीन का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो तीन हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा,
फिर दो का गुणा एक में करेंगे तो दो हो जाएगा, अपान दो को एक में जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, ये बराबर मिलेगा। आठ से दो निकल जाएगा तो छह मिलेगा। अब आठ ज्यादा है इसके सामने प्लस है तो ये प्लस छह ही रहेगा, अपान थ्री हो गया कामा। अब माइनस थ्री और माइनस टू तो माइनस फाइव हो गया, अपान थ्री हो गया, थ्री से इसको काटेंगे तो टू आ जाएगा, तो हमें मिल गया या पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक बराबर क्या हो गया, दो कामा माइनस पांच बटे तीन। तो ये पी का निर्देशांक जो हो गया कितना हो गया, दो कामा माइनस पांच बटे तीन। अब हमें क्यू का भी निकालना है, किसका निकालना है, क्यू का। अब देखो जब हम क्यू का निकालेंगे तो अब हम इसको थोड़ा इसकी कहानी बदलना पड़ेगा, कहानी ये बदलना पड़ेगा, जब हम क्यू को निकालेंगे तो ए से क्यू को लेंगे फिर क्यू से बी को लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यम वन और ये हमारा हो गया यम टू। तो ए से क्यू के बीच में कितना आया, एक भाग दो भाग, तो दो हो गया, और क्यू से बी के बीच में सिर्फ एक भाग है तो यम टू बराबर एक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो सेकेंड पोर्शन है, ठीक है ना, ए क्यू रेशियो बी क्यू बराबर हो जाएगा टू रेशियो वन, अर्थात अर्थात यम वन बराबर दो हो जाएगा और यम टू बराबर एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां हम लिखते हैं इसलिए क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, ठीक है ना, क्यू का निर्देशांक बराबर फार्मूला वही रहेगा क्या, यम वन, देखो क्यू जो है ये भी ए और बी के अंदर है तो अंतर विभाजित करेगा, ठीक है ना। देखो ये जो क्यू है ना ये ए बी के कहाँ है, अंदर है तो अंतर विभाजित कर रहा है ए बी को, तो अंतर विभाजन का सूत्र यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, ठीक, कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू, ठीक है। अब देखो अब यहां हम बड़े ही आसानी से बड़े ही प्यार से रख देंगे, यम वन का वैल्यू हमारा हो गया टू, यम वन का वैल्यू कितना हो गया टू इंटू यक्स टू, तो यक्स टू का वैल्यू हमारा माइनस दो है। देखो ये बी का निर्देशांक वही है, ये चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा पी से पॉइंट क्यू आ गया, तो यक्स टू का हमारा जो पॉइंट है ये माइनस टू है तो ये हो गया माइनस टू प्लस यम टू, तो यम टू का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं वन इंटू यक्स वन, तो यक्स वन का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कितना है, फोर है, अपान यम वन प्लस यम टू, तो यम वन की जगह पे टू हो गया प्लस यम टू के जगह पे वन हो गया, कामा यम वन का वैल्यू टू इंटू वाई टू, तो वाई टू का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं माइनस थ्री है तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस यम टू, तो यम टू का वैल्यू वन आप यहां देख सकते हैं वन हो गया, इंटू वाई वन, तो वाई वन का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं माइनस वन है तो ये माइनस वन हो गया, अपान यम वन प्लस यम टू, यम वन प्लस यम टू तो यम वन का टू हो गया, फिर यहाँ प्लस है प्लस लगाइए यम टू का वैल्यू वन है तो वन हो गया, ठीक है ना। देखिए कितने प्यार से आ रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा माइनस, दो का गुणा दो में करेंगे चार, प्लस चार का गुणा एक में करेंगे चार होगा, दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा कामा, दो का गुणा तीन में करेंगे तो छह होगा, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस हो गया, फिर प्लस का गुणा माइनस में माइनस, एक में एक का गुणा करेंगे एक होगा, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन होगा। अब देखो माइनस चार से चार जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अपान थ्री कामा माइनस छह माइनस वन तो माइनस सात हो जाएगा। आप जानते हैं अगर चिन्ह समान है तो जुट जाते हैं, तो इसका भी माइनस तो छह और एक जुटेगा सात होगा, इसके अगेंस्ट इसके सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है ना। इसलिए क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा जीरो में तीन का भाग देंगे जीरो कामा माइनस सेवन अपान थ्री, तो ये हो गया हमारा क्यू का निर्देशांक, ठीक है ना, जीरो कामा माइनस सेवन अपान थ्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया निर्देशांक, हमें ज्ञात करना था निर्देशांक हो गया, ठीक है ना। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसके बाद में फिर आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, बहुत इजी बहुत सिंपल, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख सकते हैं, थोड़ा लंबा लिखा है लेकिन है बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इसमें जो फिगर दिया है, आप अपने स्कूल से खेल के क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, तो ये देख सकते हैं आप, ये आपका आयताकार मैदान है, ठीक है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब देख सकते हैं ABCD में परस्पर चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, 1 मीटर दूरी पर। तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, इस तरह से इधर हैं, ठीक है ना। इस तरह से इधर है, आप बुक में देख सकते हैं 10 तक भी बनाया है। तो हमें 10 तक से नहीं मतलब है, जो पॉइंट जो दिया हमें उसी से मतलब है। और उसके बाद में जैसा कि चित्र 7.12 में दर्शाया गया, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी, ठीक है, दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह वहां से एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब यहाँ देखिए, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर के दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस तरह से 1 मीटर के दूरी पर कई गमले रखे गए हैं, इस तरह से गमलों की संख्या, ये जो लाइन है ये कुल कितना है, 100 है। कितने गमला है, 100 गमला है। यहाँ भी एक गमला है, यहाँ भी एक गमला है, यहाँ भी, 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 ठीक है ना। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति माने यहाँ से चलती है, ठीक है ना, और दौड़ती हुए जाती है, दौड़ती है और वह हरा झंडा गाड़ देती है 1/4 भाग के बराबर, एडी का 1/4 चलती है, ठीक है ना, और वहां पर अपना हरा झंडा क्या करती है, गाड़ देती है। तो यहाँ हम लिखते हैं एडी का कितना, 1/4, एडी का 1/4 भाग बराबर, तो एडी में कुल कितने गमले हैं, 100 है, तो 100 मीटर हो गया। 100 गुणे का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो गया 1/4, तो भाग दे दिए तो कितना आ गया, 25 आ गया, 100 में 4 का भाग देंगे 25 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, इसलिए हरे झंडे को गाड़ने की जगह कहाँ गाड़ेगा, जगह बराबर, तो ये दूसरे से चलता है ना, तो 2 हो गया, और एडी में कहाँ गाड़ेगा, जब 25 मीटर दौड़ जाएगी तब गाड़ेगी, तो 2 * 25 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है, फिर प्रीत है 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति माने यहाँ, ये यहां से दौड़ती है और एडी के 1/5 भाग को तय करती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए एडी का 1/5 भाग बराबर हो जाएगा, एडी में कुल कितने गमले हैं, 100, तो 100 हो गया, गुणे का मीन्स गुणा हो गया 1/5, 100 में 5 का भाग देंगे आ गया 20, ठीक है ना। अब ये कौन सा झंडा लेके जाती है, ये लाल झंडा लेके जाती है, तो लाल झंडा कहाँ गाड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 8वें लाइन से चलते हुए और एडी के 1/5 भाग, जैसे मान लो यहाँ आ गया तो ये यहाँ पर हो गया, तो यहाँ लिखिए इसलिए लाल झंडा गाड़ने की बिंदु लिखिए, ठीक है ना। गाड़ने की बिंदु मतलब किस बिंदु पर गड़ेगा, ठीक है ना। बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, मतलब AB और AD के अनुदिश किस पॉइंट पे गड़ेगा। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, हरे झंडे गाड़ने की जगह के जगह पे क्या लिख सकते हैं, गाड़ने की बिंदु, बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। तो बराबर क्या होगा, भुज, भुज का मतलब AB के अनुदिश, तो AB के अनुदिश 8 हो गया, और कोटि, कोटि का मतलब AD के अनुदिश, तो AD के अनुदिश कितना आया, 20 आया, तो ये आपका हो गया 20। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जैसे मान लो ये आपका हो गया 2 * 25, ये आपका हो गया कितना, 2 * 2 * 25, तो ये हो गया 2 * 25, मान लो इस पे चला यहीं आया, ये आपका कितना हो गया, 8 * 20, तो ये हो गया ना, यही हो गया। तो आप कह रहा है इसके बीच की दूरी, झंडे के बीच की दूरी, यहाँ पर लाल झंडा है, यहाँ लाल झंडा है, यहाँ पर हरा झंडा है, इसके बीच की दूरी यहाँ लिखते हैं, इसलिए इसलिए हरे हरे हरा झंडा तथा लाल झंडा के बीच की दूरी, बीच की
दूरी, तो दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, होता है ना। तो ये देखो, ये जो दो है ये आपका एक्स वन है, और ये जो पच्चीस है ये वाई वन है, ये आपका हो गया एक्स टू और ये आपका हो गया वाई टू, ठीक है ना। अब ये हो गया, आप देख सकते हैं एक्स टू की जगह पर हो जाएगा आठ माइनस एक्स वन, तो एक्स वन की जगह पर क्या है हमारा दो है, तो ये दो हो गया था होल स्क्वायर प्लस वाई टू, तो वाई टू का हमारा कितना है बीस है, माइनस माइनस है माइनस वाई वन, तो वाई वन का कितना है पच्चीस है, तो हो गया पच्चीस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आठ में से दो जाएगा तो छह का स्क्वायर प्लस बीस से ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, ये प्लस है ये माइनस, तो पच्चीस से बीस जाएगा तो माइनस पांच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बराबर हो जाएगा छह का स्क्वायर छत्तीस, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और पांच का गुणा पांच में करेंगे तो पच्चीस, ये बराबर हो गया अंडर रूट इकसठ, क्या हो गया मात्रक, ठीक है ना। यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट हरे और लाल झंडे के बीच की जो दूरी हो गई अंडर रूट सिक्सटी वन मात्रक हो गई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है उसके बाद में, यदि रश्मि को नीला झंडा और इन दोनों झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, कह रहा है इन दोनों झंडों के बीच में इसे एक झंडा और लगाना है, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा झंडा लगाना है, नीला झंडा बीच में लगाना है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसलिए इसलिए हरे हरा झंडा व लाल झंडा व लाल झंडा के मध्य मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये हरा झंडा है ये लाल झंडा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यही है, यहीं पर नीला झंडा गाड़ेगी, यानी हमें इसी का निर्देशांक निकालना है, अर्थात हमें क्या निकालना है, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो आप देख सकते हैं एक्स वन का मान कितना है दो है, तो ये हो गया दो प्लस एक्स टू का मान आप देख सकते हैं आठ है, तो आठ हो गया बटे दो कामा वाई वन, तो वाई वन का मान पच्चीस है तो पच्चीस हो गया धन, वाई टू का मान बीस है आप यहाँ देख सकते हैं वाई टू का वैल्यू बीस है तो बीस हो गया बटे दो, अब आठ में दो जोड़ेंगे तो दस बटे दो, अब पच्चीस में बीस जोड़ेंगे तो पैंतालीस बटे दो, अब दस में दो का भाग देंगे तो पांच आएगा, अब पैंतालीस में दो का भाग देंगे तो बाईस दशमलव पांच आएगा, अर्थात ये जो बीच का पॉइंट होगा इसका जो निर्देशांक होगा पांच कामा बाईस दशमलव पांच, यहीं पर नीला झंडा गाड़ा जाएगा, यहीं पर कौन सा झंडा गाड़ा जाएगा, नीला झंडा, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। एसएसटी क्लासेज आप सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है, तथा हम चाहेंगे कि आप लोग, हम अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपना सहयोग जरूर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।